आजादी के नाम होश में आओ, होश में आओ, कंगना रनौत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंगना रनौत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंगना रनौत शरम करो, शरम करो, शरम करो, कंगना रनौत शरम करो, शरम करो, शरम करो, अरे शरम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शरम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, शरम करो का हिंदुस्तान, आजादी के नायकों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आजादी के नायकों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कंगना रनौत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंगना रनौत का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भी मांगो माफी मांगो, उसी पुरस्कार वापस करो, वापस करो, वापस करो, कंगना रनौत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रनौत जिंदाबाद, 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 कंगना रनौत शहीदों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 कंगना रनौत माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए बीते दिनों बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं जो आजकल विक्षिप्त मानसिकता से प्रताड़ित हो चुकी हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी हमें भीख में मिली थी। उनका ये बयान आज़ादी के महानायकों का, अमर स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानी क्रांतिकारियों के बलिदान, त्याग, तपस्या का जो है अपमान है। और यहाँ तक कि उनका यह बयान संविधान में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों का भी अपमान है, जिसमें नीति निदेशक तत्वों में यह उल्लेख किया गया है कि आज़ादी के महानायकों के त्याग, तपस्या और बलिदान का सम्मान करना, उनके जो है विरासत को संजोए रखना इस देश के नागरिकों का कर्तव्य है। तो इसलिए उस विरोध में आज हम NSUI के कार्यकर्ताओं ने छासंग भवन पर उनका पुतला दहन किया है। और हम यह मांग करते हैं कि बीते दिनों में जो उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जो लगातार ये अभिनेत्री जो है लगातार जो है विवादित बयान पे बयान दिए जा रही हैं, और इस बार उन्होंने आज़ादी के महानायकों का अपमान करने वाला बयान दिया है, हम मांग करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए और उनके जो बयानों में वो सुधार आए, अन्यथा NSUI के कार्यकर्ता पूरे देश और प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। चंद्रशेखर अधिकारी आज़ाद, प्रदेश प्रवक्ता, NSUI पूर्वी उत्तर प्रदेश।